देखिए आज के टाइम पे इंडिया के रिलेशन दो देशों से बहुत ही बढ़िया है, पहला है रशिया और दूसरा है इजराइल। लेकिन अगर इंडिया को इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो उस केस में क्या होगा? जी हाँ गाइस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि रशिया ने हाल ही में इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि अगर इजराइल यूक्रेन की लगातार मदद करेगा तो हम सारे रिलेशन इजराइल से तोड़ देंगे और इसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि रशिया ईरान से ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है और उन्हीं ड्रोन का यूज करके यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, लेकिन इजराइल भी इसी तरीके से ड्रोन यूक्रेन में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे रशिया को युद्ध में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। वहीं रशिया इससे पहले ये मानता था कि इजराइल इंडिया की तरह उसका साथ देगा, एटलीस्ट साथ ना दे तो कम से कम बीच में नहीं आएगा। लेकिन इजराइल भी इसके उलट यूक्रेन का साथ दे रहा है और यही वजह है कि अब इंडिया के सामने भी चुनौती है कि वो वक्त आने पर इन दोनों देशों में से किसे चुनेगा। वैसे गाइस, आपके हिसाब से इंडिया को किसका समर्थन करना चाहिए, इजराइल का या रशिया का? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आपने ग्रेजुएट चाय वाली और बीटेक चाय वाली के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने ग्रेजुएट कब्र वाली के बारे में सुना है? नहीं ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल चाइना में रहने वाली टेन नाम की ये लड़की एक कब्रिस्तान में काम करती है और इसके लिए उसे 45,000 रुपए महीने की सैलरी भी मिलती है। असल में टेन शुरू से ही सुकून की नौकरी करना चाहती थी और उनका मकसद नौकरी और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाना था, इसलिए उन्होंने ऑफिस के शोर शराबे से दूर चाइना की एक पहाड़ी पर मौजूद कब्रिस्तान में नौकरी करने का फैसला किया। यही नहीं, 22 साल की टैन एक टिकटॉकर भी हैं और अक्सर वो अपनी वीडियोस और पोस्ट में खुद को कब्र रक्षक कहकर गर्व और खुशी महसूस करती हैं। वैसे गाइस, आपका इस ग्रेजुएट कब्र वाली और इस सुकून भरी नौकरी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।